आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुमने कसम खा के रखी हुई मेरी कोई ना कोई हड्डी तोड़ोगी। मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ। मेरी माँ कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती है। तुम्हारे लिए वो चेंज वाले कपड़े, जाओ चेंज कर लो। क्या हुआ, उड़ गए ना तोते? देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये शादी तुम्हारे लिए जितनी नहीं है ना उतनी मेरे लिए भी। अभी तुम एक दूसरे को जानते भी नहीं है ठीक से। एक दूसरे का होने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, राइट? जिसके लिए वक्त लगता है, इसलिए मैं वो वक्त तुम्हें भी देना चाहता हूँ और खुद भी लेना चाहता हूँ। तब तक जब तक मैं प्रिपेयर नहीं हो जाता और तुम्हारी मर्जी नहीं होती है, तब तक अनफॉर्चुनेटली रात तो मेरे बस में नहीं है। वो तो होगी ही, लेकिन सुहाग रात नहीं होगी। ये हमारे साथ की पहली रात है गौरी, ऐसी बहुत सारी रातें आएंगी, उसके बाद बहुत सारे दिन जब तुम्हें और मुझे दोनों को लगने लगेगा कि आई थिंक वी आर रेडी फॉर, जब तुम चाहोगी, जब तुम्हें लगेगा, जब तुम सोचोगी, लगने लगेगा कि ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारा घर वाला। तब तक टेक योर टाइम। और हाँ, तुम्हारी जैसी तीखी मिर्ची को जानने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए एक्चुअली। यू जलू टिंडे, तुम मेरी क्लास ले रहे थे? हाँ, लेकिन अभी तक तो क्लास ही ली है, इसके बाद तो तुम्हारा हर रोज एग्जाम लूंगा, समझी मिर्ची? सुनो, मैं अंदर चेंज कर रहा हूँ, तुम बाहर चेंज कर लो। नहीं नहीं, तुम चेंज करके बाहर आ जाओ, मैं बाद में कर लूंगी। अरे यार हरी, अब बाहर ही कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? तुम बाहर आ गई तो? मैं बाहर क्यों आऊंगा, तुम जिद मत करो, बाहर ही चेंज कर लो। प्रॉमिस? हाँ बाबा प्रॉमिस। तुम स्लो मोशन में चेंज मत करना, जल्दी करो। अरे ओके ओके, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, इतने इंपेशेंट हो, मुझे नहीं पता था कि इतने इंपेशेंट लड़के के साथ मेरी शादी हुई है। तो तुम्हें क्या लगा था किस तरह का लड़का मिलेगा तुम्हें? मैंने हमेशा से देखा है कि पति अपनी पत्नी पर रूल करता है, डोमिनेट करता है, जो पति बोले वही पत्नी करती है। पर मैंने हमेशा से डिसाइड किया था कि मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करूंगी जो मुझसे प्यार करे, जो मेरी सुने, मेरी हर बात सुने। हाँ, तो तुम्हें जोरू का गुलाम चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही जो माँ विरा के जैसे मर्जी बोलो, तुम्हें ना जोरू को गुलाम ही चाहिए होता है। तुम लड़कियों का ना हस्बैंड नहीं सेक्रेटरी चाहिए होता है, और तुम्हारी शादी गलत लड़के से होगी क्योंकि मैं वैसा हूं ही नहीं। यही तो खासियत है लड़कियों की, हम चाहती कुछ और है और मिलता कुछ और है, फिर भी उसके साथ हम खुशी खुशी रह लेते। हो गया तुम्हारा लड़कियों का चेंज, अब आ जाओ बाहर। हाँ आ जाओ। रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। मैं वहां कुछ पीछे हट, उसे नाश, मेरी गौरी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझ में इतना जहर डाला उस राज को मारने के लिए, उसे मार। तुम इधर कहां जा रही हो? बेड उधर है, तुम उधर कहां जा रही हो? कहां मतलब? राज, हम एक साथ एक ही बेड पे, मेरा मतलब है
तुमने तो कहा था कि हमें वक्त लेना चाहिए जब तक मैं कंफर्टेबल, जब तक मेरी मर्जी। हाँ। तुमने कसम खा के रखी हुई मेरी कोई ना कोई हड्डी तोड़ोगी। राज, राज ये बहुत खतरनाक होते, अगर इंसान पकड़ ले तो वो मर जाता है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, तुमने कहाँ सुना? राज कहाँ सुना मतलब? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। राज तुम्हें कैसे पता? आर यू श्योर? पता नहीं। क्यों तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? पानी बंद करो, पानी क्यों वेस्ट कर रही हो? पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ओ सॉरी, तुम अच्छे से चेंज कर लो। हाँ
राज तुम भी चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे ठंड नहीं लगती, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तुम अपनी फिक्र करो। सही कहा तुमने, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें ठंड नहीं लगी, ठंड को तुम लग गए। ये लो। बेचारी मेरी मॉम, इतने प्यार से तुम्हारे लिए कैजुअल अच्छी सी ड्रेस छोड़ के गई थी, उन्हें क्या पता था तुम तो वो हो। तबाही मुझे मार। तबाही नहीं, बेल होती है। अरे हाँ, इनविटेशन बेल को दो या तबाही को, एक ही बात है ना। चलो तुम्हारे कपड़े से बेल ले आते हैं, आई मीन कपड़े ले आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगी, तुम मेरे साथ मत चलो, वरना वो कजिन्स और मेरे भाई वो हमें इन कपड़ों में देखेंगे तो कुछ और ही मतलब निकालेंगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग कुछ हमारे बारे में, यू नो, मैं और तुम। ये मैं और तुम और मैं, तुमने शुरू किया था, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। सबके सामने जाके डिक्लेरेशन जो दिया था, मैं राज से प्यार करती हूँ, खुल्लम खुल्ला बोला था, तो जो वो सोचेंगे सही सोचेंगे, तुमने रीजन दिया ना सोचने का, तो प्रॉब्लम क्या है? बस बस अब ये बाथरूम में इतनी, मैं अपने कपड़े लेने जाओ और तुम भी जल्दी से चेंज कर लो प्लीज। हाँ मैं चेंज कर लेता हूँ यहीं पे। राज खुद तो शर्म करो। मुझे कोई शर्म नहीं आती। अरे क्या बात है, इतनी रात हो गई और रात रानी अभी तक जाग रही है, नींद नहीं आ रही है, कैसे आएगी? दिमाग में बेचैनी की बारात जो चल रही है, वो भी फुल बैंड बाजा के साथ, कि राज और गौरी की शादी हो गई, मेरा और मेरे कालासुर का पूरा प्लान चौपट हो गया है ना। भी अभी 10 मिनट पहले आती ना तो मुझे भीगे भीगे बालों के साथ देखती, राज के करीब, राज के साथ, वो भी बात हो गई, तब आपको पता चलता कि शादी की खुशी और खुशी की शादी क्या होती है। खुश, बहुत खुश कि तू खुश है अपनी शादी वाली दुनिया में जो तूने बनाई है, ये सपनों की दुनिया अपने लिए। और अगर तू वाकई में खुश होती ना तो ऐसे चुपके चुपके चोरी चोरी अपने फिंगर्स थोड़ी ना क्रॉस करती। झूठी। तुझे क्या लगता है तू शादी करके जीत गई? हाँ मैं हारी भी कहाँ हूँ, बस एक रात का फासला है, पूछो कैसे, कल मैं रात के साथ सुमेरगढ़ जाऊंगी और उस राज का पता लगाऊंगी जो हवेली में छिपा है, मेरी तस्वीर पता लगाऊंगी कि मेरी तस्वीर का राज, मेरा कनेक्शन क्या है। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? अब आपकी कहानी खत्म और मेरी कहानी शुरू। अब आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका वो कालासुर। कालासुर बहुत खतरनाक है गौरी। खतरों की नाक काटना मुझे अच्छी तरह से आता है, काट दी, क्योंकि इस बार तुम दोनों का खतरा किसी के पास आ भी गया ना फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रक्षा कवच मैंने सबके हाथों में बांध दी है। ये रक्षा, हाँ दी, मेरा और ये मेरा रक्षा कवच जो सबकी ढाल बनके सबकी जान बचे। गौरी थी सब जानती है और सबके लिए अकेले ही लड़ रही है। मुझे भी गौरी दी की मदद करनी चाहिए, पर इस करुणा की आंखों में आए बिना, वरना पिछली बार की तरह ये फिर मुझे अपनी ताकत बना के यूज कर लेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।